मुंबई की मलाड पुलिस ने एक ऐसे चोर गैंग का पर्दाफाश किया है जो एटीएम मशीन में प्लास्टिक पट्टी लगाकर एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह गैंग एटीएम मशीन में पट्टी लगाकर बाहर इंतजार करते, जब कोई ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने आते थे तब पट्टी लगने से रुपए एटीएम से बाहर नहीं निकलते, तब ग्राहक को लगता था एटीएम खराब है। गलत ट्रांजेक्शन समझकर ग्राहक एटीएम सेंटर से लौट जाते, तब यह गैंग के सदस्य एटीएम में फंसे रुपए निकाल लेते और दूसरे ग्राहक को चुना लगाने में जुट जाते थे। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके ऊपर मुंबई और पुणे में करीब 6 मामले दर्ज हैं। मालाड पुलिस स्टेशन के ड्यू डायरेक्शन में एसयू रोड पे कोटक महिंद्रा का एटीएम है, वहाँ के कॉल सेंटर से हमारे नॉर्थ कंट्रोल को कॉल प्राप्त हुआ था कि वहाँ पे कुछ चोरी जैसा हो रहा है या कोई चोरी कर रहा है। तो हमारी जो डिटेक्शन की टीम थी, पुलिस हवलदार सातों से, कांस्टेबल काटे, कांस्टेबल डोईपुरे, ये उसी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो तुरंत वहाँ पे एटीएम के पास पहुँच गए, तो वहाँ से एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं से उसको हिरासत में लिया गया और पुलिस स्टेशन आने के बाद उससे पूछताछ की गई। तो उसने उसका नाम प्रदीप मौर्य नाम बताया है उसका, और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और उससे पूछताछ करने के बाद उसने ये फाइबर पट्टी एटीएम में लगा के चोरी करता है इसके बारे में बताया। उससे पूछा गया कि और कौन कौन है उसके साथ, तो उसका एक साथी है दीपक सरोज, वो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद हमने तुरंत ये सब डिटेल्स हमारे सीनियर पे अडाने सर को दिया और हमारे क्राइम पे पनाय सर को दिया, और उन्होंने हमारे डीसीपी साहब को तुरंत इस घटना के बारे में बताया। उसके बाद डीसीपी साहब ने हमारा डिटेक्शन का टीम फॉर्म किया जिसमें मैं था और मेरा स्टाफ लोग थे, और हम लोगों ने उसका सीडीआर एसडीआर निकाल के चांदीवली मालाड़ बोरीवली दहीसर स्टेशन पूरा रात सर्च करके जो दीपक सरोज दूसरा आरोपी है उसको वहाँ से हिरासत में ली। ये दो लोग रहते हैं, ये प्रतापगढ़ से इधर मुंबई घूमने के लिए आते हैं और मुंबई के अलग अलग एटीएम्स में जाते हैं। ये ऐसा एक फाइबर पट्टी है उनके पास, ये जो आप कलर देखेंगे इधर ना, तो एटीएम के विड्रॉल मशीन का सेम कलर है, ये एटीएम के विड्रॉल मशीन का सेम कलर है, जहाँ से पैसा विड्रॉ होता है ये लोग उसमें जाके ये चिपका देते हैं, यहाँ पे ग्लू रहता है। उसके बाद अगर कोई इंसान पैसा विड्रॉ करने के लिए वहाँ पे जाता है तो पासवर्ड डालता है, सब कुछ होता है, मशीन काउंटिंग का साउंड भी आता है उसमें, और उसके बाद पैसा आता नहीं है, तो लोगों को लगता है कुछ गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो पट्टी चिपकाने वाला उसका दूसरा साथी वहाँ पे जाता है और यहाँ से उसका पट्टी निकाल लेता है। जो पट्टी निकालता है ना, तो विड्रॉ हुआ जितना भी पैसा है उधर चिपकता हुआ रहता है, वो लेके चोरी करके निकल जाता है। आरोपी का बैकग्राउंड में प्रतापगढ़ में उस पर 2-3 केसेस है, मारामारी का या आम पैट का ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ी से छानबीन में अभी के उतना पता चला है, और मुंबई में उन्होंने 4-5 जगह पे किया है ऐसा वो बोल रहे हैं और उसकी छानबीन जारी है। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।